हेलो वंस अगेन, वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एलटी केमिस्ट्री का एक और नए चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है एसिड एंड बेसिस। तो एसिड एंड बेसिस जो टॉपिक होने वाला है, उसका मेजर जो पोर्शन है वो आपको क्लास 11th के इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी मिलता है। तो यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको एसिड बेसिस के, फिर वो हम इक्विलिब्रियम में डिस्कस नहीं करेंगे, सेम चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सवाल आने के चांस है, तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि दो चैप्टर्स हैं, उनके अंदर ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो दो जगह ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसको समझना है सही से कि क्या होगा। तो अगर हम बात करें एसिड्स एंड बेसिस की, तो उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, तीन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस। कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं, लुईस के अकॉर्डिंग एसिड्स बेसिस क्या होते हैं, और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग आप क्लास 9th से जानते हैं, या 10th से, 8th से आप लोग सुनते आए हैं कि एसिड वो होते हैं जो एच पॉजिटिव डोनेट करते हैं, राइट। पढ़ा है ना सब लोगों ने, ठीक है। अब ये मत बोलो कि सर भूल गए, एसिड तो तुम्हें याद है, ठीक है। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं जो एच पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, ठीक है। गिव एच पॉजिटिव, तो ये तो याद होगा, लेकिन शायद ये भूल गए होंगे, गिव एच पॉजिटिव कंडीशन लगी होती है इन एक्वस सॉल्यूशन, वाटर जरूरी है। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव डोनेट करते हैं। जैसे आपके पास अगर HCl गैस है, तो HCl गैस है तब तो वो एच पॉजिटिव नहीं देगा, लेकिन अगर HCl को हम वाटर में मिलाएं, अब वो कौन से आयंस दे सकता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो खाली HCl अगर गैसेस फॉर्म में है तो वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, राइट। तो जो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद H पॉजिटिव देते हैं, उन्हें हम कहते हैं एसिड्स। ऐसे ही H2SO4, H2SO4 कौन से आयंस देगा आपको, H पॉजिटिव आयन देगा, ये भी एसिड है, तो सब जानते हैं। अब दूसरी बात करते हैं बेस की। इसमें याद करने लायक मुझे लगता है पॉइंट यही था कि इन एक्वस सॉल्यूशन, ये आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, बाकी तो पता ही है। बेस क्या होते हैं इनके अकॉर्डिंग, अच्छा एच पॉजिटिव की जगह आप H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या नाम होता है इसका, हाइड्रोनियम आयन, लिख लो हाइड्रोनियम आयन। कभी ढूंढते रह जाओ ऑप्शन में एच पॉजिटिव हो ही ना, और कहो कि सर ने तो बताया था एच पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। बेस वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, गिव OH नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव देते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, राइट। तो ये हमारे पास बेस होते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, NaOH कॉस्टिक सोडा, ठीक है। तो वैसे तो पाउडर्ड फॉर्म में होता है, तब थोड़ी दे देगा OH नेगेटिव, डब्बे में रखा हुआ है भाई। अरे नमक आपका डब्बे में रखा है तो वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव थोड़ी दे रहा है अलग करके, जब पानी में डाल रहे हो तभी तो दे रहा है। तो NaOH को जब आप एक्वस लोगे, यानी कि वाटर में लोगे, तब वो क्या बनाएगा आपके, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो जो भी आपके एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव देते हैं वो बेस है। तो पहली डेफिनेशन क्लियर है सबको। अब इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं, लिमिटेशंस की बात करते हैं, क्या क्या नहीं समझा सकता। देखो आप लोगों ने 9th में या 10th में कभी सुना होगा, वैसे तो काफी टाइम हो गया, आप नाराज ना हो इस बात पे कि सर आप ऐसा मत बोलिए कि 9th में सुना होगा, 10th में, हमें तो BSc का याद नहीं है। मैं मान सकता हूँ, बट फिर भी मैं थोड़ा सा पुरानी चीज इसलिए बोल दे रहा हूँ, ऐसा बता तो रहा हूँ ना मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको लगे कि अच्छा ये तो 9th 10th में वाला बेसिक चीज थी, एक माइंड सेट पहले ही हो जाए कि बेसिक है, कोई एडवांस चीज नहीं, बस हम भूले हैं, ठीक है। पढ़ा है हम लोगों ने एक बार। तो लिमिटेशंस में देखिए, आप लोगों ने सुना है कि मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ज्यादातर केस में कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं CaO, आप बोलोगे सर बेसिक,
और ऐसे ही आपसे कोई और एग्जांपल लिया जाए जिसमें मेटल का ही ऑक्साइड हो, तो आप क्या कह सकते हैं उसको? बेसिक कह देंगे। नॉन मेटल का ऑक्साइड जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल CO2, SO2, SO3, ये सारी गैसेस कैसी हैं? एसिडिक हैं। और ये मेटल का ऑक्साइड मैंने लिया है, ये वाला आपका कैसा होता है? ये आपका होता है CaO एसिडिक। एक सेकेंड, कैमरा जरा एडजस्ट करें। ओके, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं हमारे? एसिडिक होते हैं। मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। ये मैंने आप लोगों को बोल दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है, अब आप लोग मुझे खुद बताइए कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या आप इसे एसिडिक बता सकते हैं? आर्हेनियस ने तो कहा जो एच पॉजिटिव डोनेट करते हैं वही एसिडिक होते हैं। क्या इसके पास कोई एच है? तो क्या आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये एसिड है? नहीं। क्या आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये एसिड है? नहीं। क्या आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये? नहीं। क्या इसके पास OH है डोनेट करने के लिए? तो ये बेसिक क्यों है फिर? तो इन एग्जांपल्स को आर्हेनियस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, राइट। ऐसे और भी एग्जांपल होते हैं। अमोनिया आपका बेसिक नेचर का होता है, ROH एल्कोहल आपका बेसिक नेचर का होता है, RnH2Mn आपका बेसिक नेचर होता है, बट आर्हेनियस से उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। आगे बात समझ में? तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग यानी कि आपको चार ऑप्शन दे दिए हैं, आपसे पूछा जाए इसमें से आर्हेनियस एसिड कौन सा है। तो वहां पे CO2 भी लिखा होगा, एसिड है, राइट, बट आर्हेनियस है नहीं। SO2 लिखा होगा, AlCl3 लिखा होगा, वो सारे एसिड हैं बट आर्हेनियस नहीं है। आर्हेनियस में कौन आएंगे? HCl, H2SO4, HBr, HI, जो एच डोनेट कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आते हैं हम आर्हेनियस के बाद ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट है ये भी। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, तो अभी रिसेंटली जो कुछ एग्जाम्स हुए हैं जैसे लैब असिस्टेंट हो गया और वो पशुधन कुछ कब के सारे हैं, ठीक है, तो उनमें भी देखने को मिला है, यहाँ से एक आध सवाल आया हुआ है ब्रॉन्स्टेड वाले कॉन्सेप्ट से। तो समझते हैं क्या होगा, आर्हेनियस इरेज नहीं किया मैंने। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट, तो ब्रॉन्स्टेड नाम से ही फेमस है वैसे तो, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, और प्रोटॉन भी तो एच पॉजिटिव ही होता है। सर ये क्या बात हुई, आर्हेनियस ने भी तो यही कहा था, यानी कि एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने वाले होंगे। अब आप कहेंगे आर्हेनियस के अकॉर्डिंग तो दोनों चीजें सेम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, यहां पर एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। मतलब कोई अगर एच पॉजिटिव वाटर में, वाटर में बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, तो बस बोल रहा है कि एच पॉजिटिव डोनेट कर दे, कहीं भी डोनेट करे, ठीक है, तो आप उसको क्या कह देंगे, एसिड कह देंगे। अब बेस कौन है? OH नेगेटिव का कॉन्सेप्ट ही नहीं खत्म कर दिया इनका, जो एच पॉजिटिव को लेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? बेस। तो बेस से ही एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। आपके पास है NH3, नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना 2.5, तो लास्ट में कितने 5, 3 यूज हो गए, कितने बच गए? 2 बच गए। अगर इसकी रिएक्शन में एच पॉजिटिव से कराता हूँ, एच पॉजिटिव मतलब क्या है, वो एक प्रोटॉन है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन देकर इसको अपने पास ले आएगा? बिल्कुल ले आएगा सर, ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। तो मुझे बताओ अमोनिया ने क्या करा, अमोनिया ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या हो गए फिर आपके? बेस हो गए। क्लियर हुआ? तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या अमोनिया ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग बेस है, तो बिल्कुल है सर, इसके अकॉर्डिंग तो वही हो जाएंगे आपके, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, H2SO4 हो गया, तो यहाँ तो सेम है, यहाँ पे चीजें बदल गई हैं, राइट। तो ये कहानी है। क्या CaO को अभी भी समझा सकते हो? CaO मैंने कहा था कैसा होता है, बेसिक होता है, तो क्या CaO को समझाया जा सकता है कि वो क्यों बेसिक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो, मतलब एच पॉजिटिव तो गेन नहीं करता ना, एच पॉजिटिव गेन करके तो कुछ नहीं बता सकता, तो यहाँ पे इसको भी नहीं समझा सकते आप इससे, बस NH3 को समझा सकते हैं, और कोई ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जो एच पॉजिटिव को गेन कर सकते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? ब्रॉन्स्टेड बेस। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इतना छोटा नहीं है ये, देखिए आपके पास है NH3, ठीक है, अमोनिया, उसकी रिएक्शन कराओ HCl से,
तो क्या होगा, HCl एसिड है वो अपना H डोनेट करेगा, NH3H को एक्सेप्ट करेगा इसलिए वो कैसा है, बेस। इसको H एक्सेप्ट करा दो तो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव, इसने H छोड़ दिया, ये क्या बन गया, Cl नेगेटिव। आई बात समझ में? अब थोड़ी देर के लिए लेफ्ट वाले पार्ट को भूल जाओ, इन दोनों को देखो, Cl नेगेटिव क्या ये एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है, Cl नेगेटिव H को गेन कर सकता है? हाँ सर, गेन कर सकता है। Cl नेगेटिव को H मिल जाए तो क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। तो Cl नेगेटिव अगर H को गेन कर सकता है तो Cl क्या बन गया फिर, अब बेस। NH4 पॉजिटिव क्या ये H डोनेट कर सकता है? हाँ सर, एक्स्ट्रा है, डोनेट कर सकता है। तो ये क्या बन गया फिर, एसिड। तो जो पहले बेस था उसका आयन क्या है, अब एसिड है। तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, जो पहले एसिड था अब वो बेस है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो यहीं से आता है कॉन्सेप्ट कॉन्जुगेट एसिड और बेसिस का, ठीक है। तो जो अभी एसिड है वो एच पॉजिटिव डोनेट करेगा, फिर जो बनेगा वो बेस होगा, जो अभी बेस है वो एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, अपना बेसिक नेचर दिखाएगा, जो बनेगा वो एसिड होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपके पास है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल देखता हूं मैं, CH3COH ले लेते हैं, CH3COH सभी लोग जानते होंगे एसिटिक एसिड, इसकी रिएक्शन करा दो अमोनिया से, ये वीक एसिड होता है इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो इसके अंदर डोनेटर डोनेटिंग एबिलिटी है, H को डोनेट करेगा तो ये एसिड हो गया, ये H को एक्सेप्ट करेगा NH3 तो ये क्या हो गया, बेस, ठीक है। तो इसका H उसके पास चला गया तो ये क्या बचा, CH3COO नेगेटिव, और उसने H गेन कर लिया, वो क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव। तो ये एसिड था तो ये बेस होगा, कौन सा बेस बोलोगे इसे, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। सवाल कैसे आते हैं अभी समझाते हैं, ये बेस है इसको बोलोगे कॉन्जुगेट एसिड, क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन किस तरीके से है, एक तो हो सकता है रिएक्शन लिख के दे दे, आपसे पूछ ले इसमें कॉन्जुगेट एसिड कौन है, कॉन्जुगेट बेस कौन है, इतना बड़ा नहीं करना चाहेगा तो वो लिख के देगा कि मुझे बताइए कि Cl नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड कौन है, इसका एसिड बताओ। क्योंकि देखो Cl नेगेटिव है तो ये बेस है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है तो बेस है, पॉजिटिव वगैरह होता तो एसिड होता, तो ये बेस दिया है इसका एसिड बताओ। तो आप क्या करोगे, इसमें एच जोड़ दोगे, HCl। मैं आपसे कहूं मेरे पास है SO4 नेगेटिव, ये क्या है, बेस है, कि नेगेटिव है भाई, इस पे H तो देगा नहीं ना, H को गेन कर सकता है, राइट, H को गेन कर सकता है। अगर मुझे इसका एसिड बनाना है तो मैं H लगा दूंगा, दो नेगेटिव है दो H लगा दो, तो इसका एसिड कौन हो गया, ये हो गया। आई बात समझ में? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास OH नेगेटिव है और मैं कहता हूं कि ये आपका बेस है, इसका एसिड बताओ, इसका एसिड बताओ, तो H गेन करा दो बेटा इसे, तो क्या बन जाएगा, H2O। मैं कहता हूं कि नहीं ये बेस नहीं है एसिड है, ये बेस नहीं है एसिड है, क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि सर H तो अभी भी है ना इसके पास, H डोनेट कर सकता है, तो अगर इसने H डोनेट कर दिया तो इसका एक और आयन बन सकता है ये वाला, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। चलो इसको छोड़ो अभी, इसको समझाएंगे अभी दोबारा दूसरे एग्जाम्पल में, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये कहानी है कॉन्जुगेट एसिड बेस की, ऐसे ही मैंने लिख के दिया आपको NH4 पॉजिटिव, पहले मुझे बताओ ये एसिड है या बेस है, कैसे चेक कर रहे हो, एसिड वो होगा जो H पॉजिटिव डोनेट करेगा, ठीक है, और बेस कौन होगा जो H पॉजिटिव को गेन करेगा, तो गेन क्यों करेगा, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को छोड़ेगा, तो इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। तो मैं पूछ रहा हूं इसका बेस, तो H हटा दो, ये हो गया कॉन्जुगेट बेस, ये तो है, समझ में आ गई बात, बता दोगे कॉन्जुगेट एसिड बेस, ठीक है। इसके क्वेश्चंस तो कराऊंगा मैं, और ध्यान रखें किसी भी लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद अगर उसके क्वेश्चंस नहीं कराए मैंने तो इसका मतलब उनके क्वेश्चंस अलग से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं उसी को करो। जैसे मैंने अभी एफ ब्लॉक के कोई क्वेश्चंस नहीं कराए हैं क्योंकि जितनी भी चीजें हैं वो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हैं, तो उसी के अंदर सारे मैंने बता दिए क्या क्या पूछे जा सकते हैं, क्या क्या नहीं आने वाले हैं। इसका लेक्चर आएगा, ठीक है, इसके क्वेश्चंस का लेक्चर आएगा, यही क्वेश्चंस उसमें ज्यादा होंगे एसिड बेस वाले, ठीक है, इक्विलिब्रियम वाले में नहीं कराऊंगा मैं, इसलिए डिटेल में करा रहा हूं।
बाद में तो मिक्स क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो एक लास्ट एग्जांपल एम्फोटेरिक बिहेवियर कि कुछ आयन ऐसे हैं जो एसिड भी बन सकते हैं और बेस भी बन सकते हैं। ये देखो मैं इसके बारे में पूछता हूं, क्या ये एसिड है? हाँ, एक बच्चे ने कहा हाँ है। क्यों है बेटा एसिड? तो अब आपने आंसर किया कि सर ये एच दे सकता है। चल दे दे फिर एच। एच दे देगा तो क्या बनेगा? सर बेस बनेगा। कौन सा बेस बनेगा? बोल यार, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ठीक है, फिर यहां आते हैं। किसी ने कहा नहीं सर ये तो बेस है। मैंने कहा क्यों भाई, बेस क्यों है? तो उसने कहा सर ये एच गेन कर सकता है, इस पे नेगेटिव है, एक एच लगाओ इसमें देखो। मैंने कहा बात तो तेरी भी सही है कि तो H2SO4 बन गया। ठीक है, ये तो कमाल की बात करी यार तुमने कि ये एच डोनेट करेगा तो ये एसिड है, ये एच गेन करेगा तो ये बेस है। तो बिल्कुल सही है। तो कैसा है फिर ये? एम्फोटेरिक है। तो अभी ये आयन दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। यहां पे H पॉजिटिव इसने छोड़ दिए हैं तो ये एसिड, यहां पे H पॉजिटिव को गेन किया है तो ये बेस। आगे बात समझ में? ऐसी और भी आयन हो सकते हैं HCO31 नेगेटिव। अब मैं पूछूंगा आपसे, जो पूछूंगा वही बताओगे, इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ, इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ। मतलब मैंने इसको क्या माना है? एसिड माना है। इसका बेस क्या होगा? एच हटा दो तो क्या होगा? CO3 एक और नेगेटिव आ जाएगा, टू नेगेटिव। अब दूसरा सवाल, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, इसका कॉन्जुगेट एसिड, तो एसिड को एच दे दो तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो इस तरीके से करना है। आई बात समझ में? तो वाटर भी हमारा क्या हो सकता है? एम्फोटेरिक हो सकता है, जैसे H2O पे लोन पेयर तो होते ही है। अगर इसने H पॉजिटिव को गेन करा तो लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, गेन कर लेगा तो ये क्या है? बेस है। अगर ये H को छोड़ देता है तो क्या रिलीज करेगा? OH नेगेटिव। तो उस टाइम पे क्या बोलोगे? ये बेस है। तो दोनों तरह के बिहेवियर यहां पर हो सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, एसिड बेस की कहानी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपने ब्रोंस्टेड एसिड और बेस को क्लियर करना है। तो अब हम बात करेंगे अपने लास्ट पॉइंट में इसके, जो एसिड के लिए है वो है लुईस एसिड। ठीक है, तो अगला एग्जांपल है हमारे पास लुईस एसिड। देखो भूलना मत अब इनको, ठीक है? एसिड बेस कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए तुम्हें, क्योंकि जिस चीज की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, जो टीचर तुम बनने वाले हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो, खाली जॉब मत सोचो उसे। तो आपको ये कोर तरीके से समझ में आनी चाहिए और इस हिसाब से भी सीखें कि आप उसे समझाने वाले हैं कल के दिन किसी को। सिर्फ ये नहीं कि हमें सिक्योर होना है, ऐसी मेंटेलिटी मत रखो, ठीक है? थोड़ा सा एक और अच्छा और आप लोगों के लिए क्रिएट होगा अगर आप अपने काम को सर्व करने के हिसाब से प्रिपरेशन करोगे, ठीक है? ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। तो अब बात करते हैं लुईस एसिड और लुईस बेस की। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझेंगे। तो लुईस एसिड के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है? और लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अच्छा, मैंने यहां दोबारा लिख दिया एसिड, ठीक है? तो यहां पे एच और ओएच की बात ही नहीं है। एच पॉजिटिव डोनेट करना गेन करना खेल ही नहीं है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना और गेन करने की बात है। पहला तरीका, एसिड वाले में मेहनत करनी है, बेस वाले में कोई मेहनत नहीं है। पहला, कौन हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें? सर जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता हो, जिनके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एग्जाम्पल AlCl3, काउंट करो, Al के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 शेयरिंग करी होगी Cl से, कितने इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं? टोटल 6 ही हो पा रहे हैं। ऐसे ही BF3, B के लास्ट में भी 3 होते हैं, 3 F से आए होंगे शेयरिंग करके, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। LiCl, Li के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 Cl से आया, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है? तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, वो आपके लुईस एसिड है। दूसरा तरीका, वो भी आपके लुईस एसिड होते हैं
जो कंटेन करते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड, कंटेन डबल और डबल में मिलता है वैसे तो ट्रिपल बॉन्ड, क्यों देखते हैं। आपके पास CO2, देखो CO2 का आंसर आने वाला है। कार्बन के चार बॉन्ड होते हैं, चार दिख रहे हैं सर, क्या दिक्कत है, क्यों लग रहा है हमें कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉनों की कमी महसूस हो रही है, इसलिए वो कैसे नेचर का हो रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। तो कोई बाहर से आएगा तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये बॉन्ड तोड़ लेगा। ऐसे ही SO3, SO2 लोन पेयर भी है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है, क्या बात कर रहे हो तुम, देखो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि कोई मुझसे इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है। SO3 यहां भी ये कहानी, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है कि इसने छह छह बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन इसके साथ जो दोस्त हैं वो इससे इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, राइट। तो ये हो गया एक तरीका ए बी, और फिर देख लेते हैं सी, इसको भी कर लेंगे। फिर आते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, जैसे SnCl2, SnCl4, इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, सारे बॉन्ड कंप्लीट है, लेकिन ये नीचे आते हैं ना काफी, तो इनके पास खाली ऑर्बिटल भी होते हैं, ये हालांकि थोड़ा सा मुश्किल वाले हैं, तो ऐसे ध्यान रख लेना SiCl4। फिर आते हैं कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने पढ़ा दी है, उनको लुईस एसिड क्यों कहा था, है ना, समझ रहे हो। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वगैरह होता है, ठीक है, तो उससे ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं, तो वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, जैसे Ag1 पॉजिटिव ले लो या कोबाल्ट 3 प्लस ले लो, तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। आगे बात हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अब आते हैं लुईस बेस में। तो लुईस बेस क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए पहला तो उन्हें इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होने के साथ साथ डोनेट करने वाली आदत भी होनी चाहिए, ठीक है। किसी की हेल्प करने के लिए सिर्फ पैसे होना जरूरी नहीं है, प्राइमरी कंडीशन तो है कि आपके पास पैसे हो, अगर पैसों से हेल्प करनी है तो, उसके बाद देने वाला नेचर भी होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, मतलब पैसे देने वाला, ठीक है, डोनेशन वाली एक अंदर से वो आनी भी चाहिए आपके अंदर। ऐसे यहाँ पर भी है, लोन पेयर तो कई लोगों में होते हैं लेकिन सब डोनेट नहीं करेंगे, तो जो करेंगे वही बेस है। तो अमोनिया आपका बेस है, आर ओ एच एल्कोहल लुईस बेस होता है, आर एन एच टू ये भी लुईस बेस होता है, ऐसे नेगेटिव वाले ले लो ओ एच नेगेटिव एन एच टू वन नेगेटिव, ये सब क्या कहलाएंगे आपके लुईस बेस, सी एल नेगेटिव लोन पेयर दे सकता है, तो ये होते हैं आपके लुईस बेस। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, वो आपने ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, एल्कोहल है, एमाइन है और ये है, ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम लुईस एसिड बेस। फिर उसके बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, जिसे एच एस ए बी प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर तुम्हें एसिड कैसे पहचानना है और बेस कैसे पहचानना है। देखो बेस कैसा होगा आपका, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, यानी कि या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा या फिर उस पर क्या होंगे लोन पेयर। एसिड कैसे पहचानोगे, एसिड पहचानोगे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव से मिल जाएंगे एसिड तो, ठीक है। तो ये आपके एसिड बेस होंगे जिस पे ये कॉन्सेप्ट लगाना है। अब जो हार्ड नेचर के होंगे, चाहे वो एसिड हो या बेस, हार्ड एसिड हो या फिर बेस हो, दोनों के ही साइज कैसे होंगे, स्मॉल साइज होंगे, ठीक है। एसिड है तो स्मॉल साइज का कैटायन होना चाहिए, बेस है तो स्मॉल साइज का नेगेटिव हो या फिर लोन पेयर वाला हो, और ऐसे ही सॉफ्ट में साइज क्या हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, तो सॉफ्ट है यानी कि बहुत दिल बड़ा है इसका, सॉफ्ट एसिड या बेस। तो यहाँ पे साइज कैसे बोलेंगे आप, लार्ज साइज बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ, देखो तुम्हारे पास है H पॉजिटिव, तुम्हारे पास है Na पॉजिटिव, तुम्हारे पास है Mg2 पॉजिटिव, तुम्हारे पास है Al3 पॉजिटिव, तुम्हारे पास है Pt2 पॉजिटिव, तुम्हारे पास है ZnCdHg,
Hg1 पॉजिटिव, ये हैं। तो हार्ड एसिड बेस की बात करते हैं। अच्छा, मैंने तो सारे एसिड ही लिख दिए, तो इन सभी के साइज स्मॉल होते हैं जो मैंने लिखे हैं। H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव। इसी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं आप, वो भी स्मॉल साइज के ही होते हैं। जैसे कॉपर 1 पॉजिटिव ले लो, ठीक है, और ऐसे ही ऊपर ऊपर के एलिमेंट्स ले सकते हो, इसमें आयरन वगैरह भी ले सकते हो, आयरन 3+ ले लो। तो ये साइज में स्मॉल होते हैं। देखो, पहले हाइड्रोजन सोडियम मैग्नीशियम ऊपर ऊपर होते हैं, नीचे जाने पे साइज बढ़ते हैं, तो ऊपर साइज क्या होंगे, छोटे, तो ये एसिड होते हैं। ऐसे CU ऊपर है, CU के नीचे AG, AU, नीचे वालों के अंदर एसिड करेक्टर कम हो जाएगा क्योंकि स्मॉल साइज चाहिए, तो हार्ड एसिड ही हो गए हमारे छोटे साइज वाले। और बेस के एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं इसमें। बेस कैसे होंगे, छोटे ही होने चाहिए, छोटे ही होने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, एफ नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत छोटा साइज है, ठीक है, एफ नेगेटिव। इस तरह से नेगेटिव वाले जो होंगे आपके स्मॉल साइज के होंगे। और क्या एग्जाम्पल लिख सकते हो इसमें, एफ नेगेटिव लिख लो इसमें, और हार्ड बेस है ना, Cl नेगेटिव बेस में आ जाता है, NH3 ले लो, हाँ लोन पेयर वाले भी तो ले सकते हो ना, NH3 ले लो, NO3 1 नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो ये आपके इसमें आ जाते हैं, मेनली ये इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले, एफ नेगेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट में आ जाते हैं, सॉफ्ट में आपके पास क्या है, अगर एसिड है तो बहुत बड़े चार्ज वाले होने चाहिए, जैसे NIPD, PT, PT नीचे आ गया काफी, Hg काफी नीचे आ गया एलिमेंट, तो बड़े साइज के एलिमेंट है। और बेस की बात करें अगर, I नेगेटिव लार्ज साइज, तो कैसा बेस है, सॉफ्ट बेस है, ठीक है। ऐसे ही H नेगेटिव, हाइड्रोजन का जो नेगेटिव होता है बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे आपने पहचानना है, क्लियर हुआ। तो F नेगेटिव, I नेगेटिव बड़े इंपॉर्टेंट है, H पॉजिटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से। तो ये कहता है HSAB प्रिंसिपल। अब HSAB प्रिंसिपल का कहना यह है कि सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन होगा। एग्जाम्पल, एक रिएक्शन है LiF प्लस CSI, और मैंने इस रिएक्शन को करा के लिख दिया है LII और CSF। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, मतलब फीजिबल है या नहीं, स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो देखें क्या है, LI पॉजिटिव छोटा होता है, तो छोटा होता है तो कैसा है, हार्ड है। F नेगेटिव भी छोटा होता है, तो ये भी कैसा है, हार्ड है। CS पॉजिटिव बहुत बड़ा होता है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम सबसे नीचे आता है, पूरी पिरामिड में सबसे बड़ा है यार ये, सॉफ्ट। आई नेगेटिव भी क्या है, सॉफ्ट। तो सर इंटरेक्शन तो पहले से अच्छे हैं, हार्ड हार्ड के साथ जुड़ा है, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ, तो रिएक्शन क्यों ही होगी, रिएक्शन नहीं होगी। अगर इसका रिवर्स लिखा होता, मैं पूछता कि रिएक्शन क्यों हुई है, तो आप बोलते कि CS जुड़ना चाहता है आई के साथ, क्योंकि ये सॉफ्ट और आई भी क्या है, सॉफ्ट है। तो इस तरीके से रिएक्शन को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो इसी को बोलते हैं हम हार्ड एंड सॉफ्ट बेस इंटरेक्शन। तो तुम्हें क्या याद रखना है, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लुईस एसिड बेस, फिर एक थोड़ा इंपॉर्टेंट जो ग्रेजुएशन का पार्ट है वो है HSAB प्रिंसिपल, जिसमें हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस के एग्जांपल याद रख लो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, अगर पूछा गया तो किससे, इस पूरे चैप्टर से नहीं, इससे HSAB वाले से, तो F नेगेटिव, I नेगेटिव, H नेगेटिव इन पे ही सवाल होंगे, उससे ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, ये एलिमेंट अच्छे से पहचान लो। तो बस इतना ही पढ़ना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके लेक्चर आएगा एक और क्वेश्चंस का, ठीक है। अगर आ गया होगा, तुम लोग वीडियो थोड़ा देर से देख रहे होंगे, तो लिंक आप लोगों को उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, यूनिट 1 का भी, यूनिट 2 का। तो यूनिट 1 बस खत्म होने वाली, 2 चैप्टर और रह गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।